So, आज हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र के टीजर के बारे में, जिसमें हमें कुछ तो नया देखने को मिला है। इसके टीजर में उतना कुछ तो नहीं था, बट जितना भी था उसको हम देखेंगे। So, अगर आप इसको एक सुपर हीरो मूवी समझ रहे हो तो शायद आप गलत हो सकते हो, क्योंकि मूवी के मेकर ने इसको सुपर हीरो मानने से थोड़ा तो इनकार किया है। बट काफी सारे लोग इसके स्टार कास्ट से खुश नहीं है, क्योंकि ये लोग बस एक ही एक्ट्रेस को लेकर के चल रहे हैं बार बार। मतलब थोड़ी सी और बेहतर ये स्टार कास्ट को कर सकते थे। एंड बॉलीवुड में काफी टाइम से सुपर हीरो मूवीज बनाई जा रही है, बट क्रिस के अलावा कोई और सीरीज इतनी हिट नहीं हुई। एंड कुछ टाइम पहले से बॉलीवुड को काफी हेट भी मिल रही है, एंड ऐसा लगता है कि अब सुपर हीरो मूवीज ही अब बॉलीवुड को बचा सकते हैं। हाँ, ये बात है कि रणवीर कपूर इस रोल में नहीं जम रहे हैं, तो थोड़ा प्रभाव इसका थिएटर में देखने को मिलेगा। बट हाँ, स्टोरी लाइन एंड VFX सही रहेगा तो ये चीज कवर हो जाएगी। चलिए अब थोड़ा VFX के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमें इसमें दिखाया गया है। एंड पहली बात ये, इसके VFX को मार्वल से कंपेयर मत करना, क्योंकि इस मूवी का बजट उतना नहीं है। ये पार्ट 1 है, सो थोड़े VFX डाउन हो सकते हैं, बट पहले की इंडियन टिपिकल सुपर हीरो मूवीज इतनी गंदी भी नहीं होंगी। क्योंकि अगर पार्ट 1 सक्सेसफुल रहा तो ये पक्का VFX को थोड़ा और सुधारेंगे। सब कुछ अच्छा है, बस स्टोरी एंड VFX अच्छा रहे तो इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जो कि किसी भी मूवी को हिट कराने में सक्षम है। बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय कमेंट में लिखना।